मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। हाल ही में सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट फ्लॉप हो गई है। आज सलमान खान एक मेगा स्टार है और उनका ये स्टारडम आसमान छूता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जी हाँ, सलमान जब इंडस्ट्री में नए नए स्टार बने थे तब उनकी हर फिल्म सुपर हिट नहीं होती थी और फ्लॉप देने से सलमान के करियर पर फर्क भी पड़ता था। 90 के दशक में सलमान के करियर का ग्राफ चढ़ता गिरता रहता था। जब जब उनका ग्राफ गिरने लगता तब तब उन्होंने किसी दूसरे एक्टर का सहारा लेकर अपने खोते स्टारडम को वापस हासिल किया। एक समय था जब सलमान इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और संजय दत्त इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके थे। साल 1991 में सलमान ने संजय दत्त के साथ फिल्म साजन की थी। फिल्म अपने संगीत और एक्टर्स के जानदार अभिनय के कारण सुपरहिट साबित हुई और इसका सीधा फायदा सलमान को हुआ। उनके लिए साजन का चलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इससे ठीक पहले उनकी फिल्म कुर्बान बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। फिल्म साजन के बाद सलमान के सितारे फिर से गर्दिश में चले गए और इसके बाद उन्होंने लगातार 5 फ्लॉप फिल्में दी। इसके बाद सलमान को फिर एक मल्टी स्टारर का सहारा लेना पड़ा। फिल्म थी अंदाज अपना अपना और सहारा बने थे आमिर खान, करिश्मा और रवीना भी इस फिल्म का हिस्सा थी। अंदाज अपना अपना फिल्म भी एक कल्ट कॉमेडी के रूप में जानी जाती है। 1994 में हम आपके हैं कौन से जबरदस्त वापसी करने वाले सलमान की अगली ही फिल्म चांद का टुकड़ा ढेर हो गई थी। इसके बाद सलमान और शाहरुख की फिल्म आई करण अर्जुन। इस फिल्म ने 70 करोड़ का बिजनेस किया था और एक बार फिर सलमान को शाहरुख के रूप में सहारा मिल गया था। करण अर्जुन के बाद लगातार 3 फ्लॉप फिल्में दी थी जिसमें वीरगति और खामोशी भी शामिल है। इन दोनों फिल्मों से काफी उम्मीदें थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। एक बार फिर ऐसा समय आ गया था जब सलमान को सफल होने के लिए किसी के साथ की जरूरत थी। तब 1996 में कंधे का काम किया सनी देओल ने। इस साल सनी देओल और करिश्मा कपूर की फिल्म जीत रिलीज हुई और छा गई। हालांकि सनी देओल ने अपनी अदायगी से झंडे गाड़ दिए थे लेकिन सलमान को भी इसका बेहद फायदा हुआ और डूबते को फिर तिनके का सहारा मिला। 2005 से 2007 तक सलमान की एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। ये वो दौर था जब सलमान ने लगातार 5 फ्लॉप फिल्में दी थी। फिर आई फिल्म पार्टनर। इसमें गोविंदा और सलमान की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। ये फिल्म सलमान के साथ साथ गोविंदा के लिए भी संजीवनी साबित हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।